हेलो, आज की वीडियो में हम मैकेनिकल वाइब्रेशन के रिलेटेड एक टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है बीट्स। बीट्स क्या होती हैं? व्हेन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली कीप चेंजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, दिस फिनोमिना इज नोन एज बीट। इस फिनोमिने को हम बोलते हैं बीट। ऐसे नहीं समझाएगा, मान लीजिए कोई सिस्टम है उसमें से टू साउंड वेव ट्रेवल कर रही हैं विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, ओके। और आप बोल सकते हैं टू साउंड वेव और टू वाइब्रेशन ट्रेवल कर रही हैं विद डिफरेंस फ्रिक्वेंसी। मान लीजिए पहली वाइब्रेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी है मेगा वन, दूसरी वाइब्रेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी है मेगा टू। जब इन दोनों साउंड वेव की इंटरफेरेंस होगी, इंटरफेरेंस का मतलब है जब ये दोनों साउंड वेव मिलेंगी तो एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, कभी हमें मैक्सिमम मिलेगा कभी हमें मिनिमम मिलेगा। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बीट। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहली साउंड वेव है और दूसरी साउंड वेव है, दोनों की इंटरफेरेंस जब सेम फेज में होगी, जब इंटरफेरेंस सेम फेज में होगी, सेम फेज में होगी, जब सेम फेज में होगी दोनों साउंड वेव की या फिर वाइब्रेशन की इंटरफेरेंस सेम फेज में होगी, उस समय हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये हमें मैक्सिमम मिलेगा। जब दोनों साउंड वेव विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी सेम फेज में मिलेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। मान लीजिए दोनों साउंड वेव ऑपोजिट फेज में मिल रही हैं, यानी कि ऑपोजिट फेज में दोनों साउंड वेव की और वाइब्रेशन वेव की इंटरफेरेंस हो रही है, उस समय हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उस समय मिनिमम मिलेगा। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली हमें कभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा कभी मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बीट। यानी कि पहली साउंड वेव है उसकी प्रॉपर्टी है ए साइन ओमेगा वन टी, यानी कि दूसरी हमारे पास जो साउंड वेव है जहाँ फिर बोल सकते हैं वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी ए साइन ओमेगा टू टी, यानी कि दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। इस तरह से हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा जो चेंज होता जाएगा मैक्सिमम टू मिनिमम, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बीट्स। थैंक यू।